नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। किसानों के ट्रैक्टर परेड को मंजूरी। किसान नेताओं ने शुक्रवार को दावा किया है कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसान यूनियनों को 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैक्टर परेड निकालने की अनुमति दे दी। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड ने यूनियनों और पुलिस के बीच हुई बैठक में शिरकत करने के बाद कहा कि ट्रैक्टर परेड दिल्ली के गाजीपुरा, सिंघू और टिपरी बॉर्डरों से शुरू होंगी। कुहाड़ ने दावा किया है कि दिल्ली पुलिस ने किसानों को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैक्टर परेड निकालने की अनुमति दे दी है। एक और किसान नेता गुरनाह सिंह चटुनी ने पत्रकारों को बताया कि चूंकि हजारों किसान इस परेड में हिस्सा लेंगे, लिहाजा इसका कोई एक मार्ग नहीं रहेगा। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा, दिल्ली की सीमाओं पर लगे अवधारकों को 26 जनवरी को हटा दिया जाएगा और किसान दिल्ली में प्रवेश करके ट्रैक्टर रैलियां निकालेंगे। उल्लेखनीय है कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। तो वही दूसरी ओर जादुई रेत गर्म करके सोना बनाने का झांसा देकर ठगी। जादुई रेत को गर्म करने पर वह सोना बन जाएंगे, इस बात का विश्वास दिलाते हुए एक ठग ने पुणे के हड़पसर के एक सरफराव व्यवसायी को 50 लाख रुपए का चूना लगा लिया। दरअसल पुणे शहर के निवासी एक सराफा ने जादुई रेत को गर्म करने पर वह सोना बन जाएंगे इस बात को सच मान लिया। उसने 50 लाख से अधिक के आभूषण देकर 4 किलोग्राम जादुई रेत खरीदी और एक साल तक बंगाल की बताई गई उस रेत को इस भरोसे के साथ तिजोरी में रखा कि एक दिन वह इसे गर्म करेगा और वह सोना बन जाएंगे। लेकिन साल भर बाद जब रेत गर्म करने पर सोना नहीं बनी तो उसे ठग जाने का एहसास हुआ। तब उसने एक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराई। सराफा व्यवसायी ने पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा कि आरोपी शख्स ने भरोसा दिलाया कि बंगाल की विशेष रेत को गर्म करने पर वह सोना बन जाती है। तो वही तीसरी ओर प्रदर्शनकारियों पर बरसी लाठियां। नए कृषि कानूनों के विरोध में भोपाल में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ राजभवन घेरने जा रहे पूर्व मुख्यमंत्री कलमनाथ और दिग्विजय सिन्हा को पुलिस ने अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया। इसके पूर्व प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज करने के साथ साथ आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन का प्रयोग किया। इसमें कांग्रेस के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। भोपाल में आज सुबह 11 बजे कांग्रेस ने कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन करते हुए राजभवन घेरने का ऐलान किया था। अपनी योजना के अनुसार कांग्रेस के प्रदर्शनकारी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिन्हा और कलमनाथ के नेतृत्व में रोशनपुरा से राजभवन की तरफ आगे बढ़ने लगे तो उन्हें पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। इसको लेकर पुलिस ने लाठीचार्ज करने के साथ साथ आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन से पानी भी बौछार ली। लाठीचार्ज के दौरान कांग्रेस के कई प्रदर्शनकारियों को चोटें भी आई। बाद में दिग्विजय सिन्हा और कलमनाथ के साथ साथ विधायक कुणाल चौधरी और पूर्व मंत्री जयवर्धन वन सिन्हा समेत तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी देख सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।